और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उन्हें जो मेरे अभिन्न मित्र तो है ही लेकिन नृत्य भी कमाल का करते हैं, और उनकी पत्नी वो तो नृत्य के अलावा कुछ करती ही नहीं है, गरबा सिर्फ गरबा। आ रहे हैं जेठालाल गढ़ा और श्रीमती दया गढ़ा। भाई जेठालाल और दया भाभी ने कमाल कर दिया है कि नहीं, तो जरा जोरदार तालियां दोनों के लिए। क्या कमाल की ऊर्जा, एनर्जी और ये डांडिया। और भाई जेठालाल आपने जो क्रेन से उतर के कमाल किया है वो तो अद्भुत था। और चूंकि गुजरात हमारा प्रदेश है तो मैं इस गुजरात की संस्कृति के लिए चार पंक्तियां। गुजर जाएगी हर रात अंधेरी, यह विश्वास हमारा है। जल थल नभ के कण कण पर छाया उजियार हमारा है, और राख शहीदों की चिताओं की हम माथे से लगाएंगे और तज देंगे हम प्राण वतन पर, वो गुजरात हमारा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आइए अब इस गुजरात की संस्कृति से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी संस्कृति की तरफ लौटते हैं जिसका कोई प्रदेश नहीं है, और वो संस्कृति है हमारे उन बच्चों की। बच्चे जिनका कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म सिर्फ एक होता है, और वो होता है सच्चाई और अच्छाई। उन्हें बुलाना चाहता हूं एक बुजुर्ग की लीडरशिप में। चंपक चाचा और गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम बच्चे लेके आ रहे हैं ये खास कार्यक्रम। जजेस देखें, जोरदार तालियां इनके लिए। चलो याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार। एक सूत्र कर दिया देश को तोड़ी हर दीवार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार, 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 वही अमर सरदार।
वाह बापूजी, बहुत गाना क्या बढ़िया है। बहुत बापूजी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और अब आपको तालियां उनके लिए बजानी है जो हमारे आज के कार्यक्रम के विजेता होंगे। हमारे जजेस जो बहुत देर से परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे इस मंच तक आए और उन्होंने आज कैसा अनुभव किया है और ये शानदार इनाम किसे मिलने वाला है ये बताएं। जरा जोरदार तालियां बजाएं राजू और राजन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए। ये दोनों ही बहुत मशहूर हास्य धारावाहिक के लेखक हैं। ये है राजू ओडेदरा जी और ये है राजेन उपाध्याय जी। जरा एक बार फिर से इन दोनों के लिए तालियां। लेकिन रिजल्ट सुनाने के पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बोल रहे थे आपकी सोसाइटी बड़ी कमाल है। भाई बिल्कुल कमाल नहीं है। अरे बिल्कुल कमाल नहीं है, अरे आपकी सोसाइटी तो धमाल है, धमाल। अगर कोई टूरिस्ट मुझसे पूछे कि मुझे भारत दर्शन करना है तो मैं उसे गोकुलधाम सोसाइटी का पता दूंगा। ऐसा टूरिस्ट कौन सा, फॉरेन का कि इंडिया का? और अब बारी है उस विजेता की जिसे हम यहाँ पे ये शानदार इनाम देने वाले हैं। और राजू और राजेन जी, आपके तमाम कमेंट्स पढ़ने के बाद आपने जो इस विजेता जोड़ी का नाम लिखा है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। वो विजेता कौन है? एनी गेसेस? हाँ, मैं घर पर जाकर गैस लेकर आती हूँ। एनी गेसेस? विजेता का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, डॉक्टर हाथी। आप बैठिए। तो अब कौन है वो? मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। चल, काश आप विजेता होते तो हमें बड़ी खुशी होती। तो विजेता कौन है, कौन है, कौन है? रोशन सिंह सोडी। जिस गति से आ रहे हैं उस गति से वापस लौट जाएं। माफ कीजिए, वेरी सॉरी, सम अदर टाइम मिस्टर सोडी, सम अदर टाइम। अगले साल। अगले साल। तो आज की विजेता है वो जोड़ी जिन्होंने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया, वो जोड़ी जिनकी प्रस्तुति लाजवाब थी, वो जोड़ी जिन्होंने जनता की सबसे ज्यादा तालियां बटोरी। यहाँ पर वो जोड़ी आखिर है कौन? मेहता साहब, वो जोड़ी है जेठालाल और दया। कविता जी, हम लोग जीत गए। तो देखिए विजेता जोड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और अब ये खास इनाम जिसका आप सारे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि क्या है इसमें और ये किसे मिलने वाला है, किसे मिलने वाला है, ये फैसला तो हो गया। लेकिन इसमें क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें है एक शानदार मिक्सर और ग्राइंडर। अरे मिक्सर ग्राइंडर कितने बड़े घर में, इतने इतने क्या खुश हो रही है तू? लेकिन इनाम तो इनाम होता है। वो बात बराबर है तुम्हारी। मैं हमारे जजेस से अनुरोध करूंगा कि ये इनाम हमारी विजेता जोड़ी को सौंपा जाए। एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट, ये सरासर चीटिंग है। एक मिनट है भाई भिड़े, क्या हुआ, क्या चीटिंग से मतलब क्या तुम्हारा? बराबर है जेठालाल, तुम तो जीतोगे ही ना, तुम गुजराती, जजेस भी गुजराती। बराबर है, ये गलत है। भाई पहले तुम नक्की कर लो तुमको क्या बोलना है, बराबर है कि गलत है? क्या जो ये इनाम तुम्हें मिला ना, ये गलत है। बराबर है, तुम तो भिड़े की साइड लोगे ना, उसका चमचा जो हो तुम। ए, ये चमचा चमचा क्या होता है? देखो जेठालाल, ये सॉरी और ये भीड़ जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, एकदम सही बोल रहे हैं। लो बोलो, ये दो पे एक फ्री। अरे यार भाई, तुम किधर बीच में कूद पड़े भाई? जेठालाल, ये तीनों जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और जजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने भी कितना डांस किया, मेरा तो 50 किलोग्राम वजन भी कम हो गया। देखिए भाई साहब, अगर हार मिलती है तो
तो उसे हंसी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल बराबर बोल रही है दया तो। हाँ अब तो आप ऐसा बोलेंगे दया भाभी, आप जीत जो गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? बराबर जजमेंट तो दिया है ना, बराबर जज लोगों ने अभी क्या है? अगर पहले से पता होता तो हम मराठी जज बुला देते। हमारे में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम पंजाब के लोग पूरे दिल वाले होते हैं और ईमानदार भी। हम लोग तो पंजाब के जज ही बुलाते। हम भी ईमानदारी है, ऐसा नहीं होता है कुछ। अरे नहीं नहीं, साउथ इंडियन जज बुलाना था। साउथ इंडियन लोग बहुत एजुकेटेड और बहुत प्रिंसिपल वाले होते हैं। अगर साउथ इंडियन जज होता ना तो अभी फैसला ही कुछ अलग होता। तो हम भी म्यूनिसिपल ही है। अरे म्यूनिसिपल नहीं, प्रिंसिपल बोल रहा तो। ए भाई ए भिड़े, तुमको मालूम था ना पहले से कि जज जो है और राजू राजन दोनों गुजराती है, है? तो तभी दिमाग में नहीं आया? तो बोलता है सेक्रेटरी है, कैसे चलाता है सोसाइटी का काम काज सब। हमारा जो गुजराती गरबा था ना वो सबसे बेस्ट था, इसलिए हमको इनाम मिला है। जय जय करवी गुजरात। अरे आपसे तो अच्छा हमारा मराठी नृत्य था। क्यों माधवी? जय महाराष्ट्र। अरे हम पंजाबियों का पासी डांस थ्री बेस्ट था। जय पंजाब। नहीं नहीं नहीं, हम साउथ इंडियन लोगों का बंगाली क्लासिकल डांस बहुत अच्छा था। हाँ, मेरा साउथ इंडियन महान, जय बंगाल। और हमारा डांस अच्छा नहीं था? हमारा उत्तर भारत का डांस सबसे अच्छा था। जय उत्तर भारत। जय जय वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक छोटा सा परिवार है, लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को कौन समझाए? देखा ना आपने, हमारा देश, हमारी संस्कृतियों का देश, कई प्रकार की संस्कृतियों का समागम इस देश में है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी की तो एक ही संस्कृति है, झगड़े की संस्कृति। कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। इस बार झगड़े का कारण प्रांत हो गए। हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम बंगाली हैं, पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। ये झगड़ा निपटेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि यहाँ अंत जो भी होगा, सल्यूशन जो भी होगा, वो होगा ठाकुर के रूप में ही। आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। अब देखते हैं आगे चल के ये मजा क्या रूप लेता है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।